हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ गया कर पबजी का गेम प्ले। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। वेलकम बैक टू द रेस। गाइज, आपको नहीं पता तो बता दूँ, यहाँ पर एक लूट है जहाँ पे आपको अच्छे कूल लूट वाले कपड़े मिलेंगे। तो आप जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ बस वहाँ वहाँ जंप करके आप पहुँचे तो आपको वहाँ पे अच्छे से कपड़े मिल जाएंगे। आप उस कपड़े को पहन के एकदम डैशिंग लुक लगोगे। तो ये देख सकते गाइज, मैं पहुँच गया हूँ। यहाँ से मैं जंपिंग जपा कर करके जैसे तैसे करके कपड़े लेने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर हाथ में आ नहीं रहे। जैकेट आ गया, बाकी के भी आ जाए पैंट तो मज़ा आ जाए। आ जा भाई, पैंट भी आ गया, अब सिर्फ शूज बाकी है। तो देखिए शूज भी, अगर मैं आपको अपना लुक दिखा तो गाइस वहाँ पर हीरो लग रहा है, फिल्म स्टार का हीरो आ गया। सब दिन बजाओ ताली, फिल्म स्टार का हीरो आया। देखो देखो जहाँ से देखो। तो चले गाइस, अब हम प्लेन में आ चुके। तो अब हमें जेजे पुली उतरना है। पहले तरह प्लेन जा रहा है, ये ड्राइवर मेरे को मिल जाए तो उसको मैं बहुत मारूंगा। इतनी दूर लेता है प्लेन जेजे पुली से, मेरे को वहाँ पर उतरना तो मैं कैसे उतरूँ। तो अब मैं को लगता है मैं आधे रास्ते तक ही उतरूँगा। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं बोट लेके चला जाऊँगा, मैं पानी की ओर उतरूँगा। तो चलिए अब हम बोट की ओर बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने बोट खड़ी है। तो अब हम बोट की तरफ जाते हैं, नंबर 2 में से आगे उतरना। और सीट इसने तो बोट ही ले ली, चलिए इसके साथ ही बैठ जाते हैं। चल भाई जान दे, जोर जोर पुल ड्राइवर जान दे, जान दे भाई। रे रे, इसने तो बोट ही का सकता है ना, लगता नहीं है बोट आगे जा लेके जा नहीं जा वो लगा देगा वो, उतर जाओ। तो गाइस वो बोट का तो सत्यानाश हो गया। तो इधर मैं पुल के ऊपर चढ़ के दूसरी बोट लेने आया हूँ। तो मैंने जंप लगा लिया और मैं बोट के काफ़ी नज़दीक हूँ। और हमें जोर जो पुल जा रहा है तो वो तो काफ़ी दूर पड़ेगा, इसलिए हम बोट लेकर ही जाएंगे। तो मैंने ड्राइव पे क्लिक कर दिया और टर्न लेते हैं हम। अरे रे गाइस, मेरे को बोट चलाना बिल्कुल भी नहीं आता, मेरे को बोट चलाना सीखना पड़ेगा अच्छे से। वो फाई नहीं रहा है बोट चलाना, टर्न हो जाए। अरे रे रे, नहीं नहीं गाइस, ये बोट चलाना काफ़ी हार्ड है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। टर्न हो जा। नहीं बच गया, बोट प्रेस होते होते। गाइस ये बोट में कब चलाना सीखूंगा, शांति। अरे रे, हेल्थ भी कम हो रही है इसी चक्कर में। एक काम करता हूँ गाइस, मैं जैसे तैसे इस बोट को निकलता हूँ और मैं आपको थोड़ी देर में मोटी। तो गाइस जैसे जैसे आगे पीछे ऊपर नीचे करके मैंने बोट निकाल दिया और मैं मस्त ताज़ी हवा लेते लेते जा रहा हूँ। राइट जाओ लेफ्ट जाओ, कहाँ जाओ, राइट लेफ्ट। मैप खुल गया तो थोड़ा जाओगा और ये मैं चला गया लगता है ऊपर। ओ शिट, मैं ऊपर चला गया, मेरे को वापस से बोट चेंज करनी पड़ेगी। चल भाई वहाँ पर एक बोट है, वो बोट लेके निकल जाते हैं। मैप है, हमें इस वाले रूट से निकलना था, वो पड़ी बोट। चलिए हम वो बोट लेके निकल जाते हैं। तो वो बोट अभी तक मैं पहुँचूँगा, फिर बोट तक पहुँचूँगा, फिर मैं जोर जोर पुल तक पहुँचूँगा। मैं थोड़ी सी वीडियो आपके लिए स्किप कर देता ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो मैं बोट लेके पहुँच चुका हूँ जोर जोर पुल, और ये मैंने बोट को ऊपर चढ़ दी एकदम स्मूथ लैंडिंग के साथ। वाह क्या लैंडिंग की है। चलो भाई यहाँ से उतर के हम निकलते हैं। एक सेकंड में अपनी तीसरी आँख से देख लूँ यहाँ पर कोई गाड़ी पड़े तो मैं गाड़ी में। अरे रे, अपने पीछे ही गाड़ी पड़ी, क्यों ना गाड़ी लेके हम जाएं, क्योंकि इतना दूर दौड़ कर जाएंगे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। गाड़ी लेके जाएंगे, हवा खाते खाते जाएंगे, दुश्मनों को उड़ाते हुए जाएंगे और वहाँ पर जाके लूट कर पाएंगे। तो चल मैं इधर लूँ फटाफट, पहुँच जोर जोर पुल पहुँच। तो अब हम जोर जोर पुल पहुँच चुके और मैं ऊपर लूट कर रहा हूँ। ये पहुँचने के साथ फर्स्ट एड किट, एक और फर्स्ट एड किट, पेन किलर, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी लूट मिल रही है गाइस। ओहो मेरे सामने एटैक्स उतरते के साथ स्वैग से करेंगे, एटैक्स का स्वागत, वाह वाह। तो चलिए गाइस मैं वीडियो थोड़ी स्किप कर देता हूँ और मैं आपको सीधा लूट लेने के बाद ही मिलता हूँ। शायद मेरे आगे एक बंदा रुके, मैं एटैक्स से अपने एटैक्स से देखता हूँ। इस रेड डॉट से तो कुछ भी नहीं दिखने वाला। अरे लगता है बॉट है, चलिए बॉट को डर रहते, थोड़ा आगे शूट करो, एकदम टच नहीं करना, थोड़ा ऊपर नीचे शूट करके से डर रहते। रुके गाइस, मैं एंगल सेट कर लूँ। सेट हो जाए, सेट हो जाए, सेट हो जाए, सेट हो जाए।
इतने हिल इतना रहा, मैं चाहता हूँ कि इसके आसपास। अरे ये किसने मारा बेटा? तू तो गया, मेरे को तो रेड डॉट से ही मारो बोले। एक हेडशॉट से गया, UMP से गया भाई। हाँ तो कहाँ गया हमारा सेकंड बॉट? हाँ बॉट साहब, हम माफ़ी का वेट कर रहे हैं। ये लीजिए आप डरे, ये लीजिए दूसरा शॉट। दूसरे शॉट में आप जरूर डरे, अभी भी नहीं डरे। ये लीजिए तीसरा शॉट। अरे अरे बॉट साहब, आप इतनी स्पीड में क्यों भाग रहे हैं? तीसरे शॉट में तो आप 100% डर गए होगे। इसके पास स्पीड से क्या गया? इसके पास M416 है, जो कि मेरी काफ़ी फेवरेट गन है। मैं इसे जरूर उठाऊंगा। M416 मेरा फेवरेट गन, बंदर का मार। तो चलिए अब हमने एटैक्स ओपन कर लिया और अब हम सीरियस होके इसे मारने की कोशिश करते हैं। और ये कहीं से बहुत ही इतना रहा है कि मैं इसे एग्जैक्टली मार भी नहीं कर पा रहा। उठ तेरी मैजिक पावर हो गया क्या इसमें भाई? आधा हाथ में क्या प्रॉब्लम? क्या हफ्ते हफ्ते तक रेड डॉट से ही मारूंगा मैं। चल बेटा तू तो गया, और वो भी रेड डॉट से तेरी मौत हो रही है। शर्म कर बेटा, शर्म। और वो भी हेड शॉट गाइस, हेड शॉट। M416 से हेड शॉट खाए बॉट ने। तो चले गए, देखते हैं इसके पास क्या क्या लूट है। ऐसे तो बॉट है इसलिए इसके पास तो कुछ लूट होगी नहीं, फिर भी देखते हैं। 5.5 से हमको की गोलियाँ मिल गई और मैं अपनी जगह से काफ़ी दूर आ गया। मैं पहुँच के आपसे तुरंत ही मिलता हूँ गाइस, आपसे तुरंत ही कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो ये गाइस मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, मेरे सामने होकर बॉट आ चुका है। यार बॉट्स ने तो हद ही कर दी भाई। बॉट्स तुम थोड़ा शांति रख लो, रियल प्लेयर्स को भी आन दो ताकि मैं उन्हें मार सकूँ। और अभी तो मैं सेफ रेड, मेरे ख्याल से मैं सेफ जोन के भी बाहर हूँ, बाहर हूँ के अंदर हूँ। यार ये बॉट्स ने तो हद कर दी। मैं अभी ज़्यादा चल कर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पैरों में अब दर्द होने लग गया। मैं गाड़ी से लूट करूँगा अब। तो गाइस मेरे से जितना स्मार्ट प्लेयर कोई हो ही नहीं सकता, अब गाड़ी से लूट करेंगे अब। तो चलिए गाइस हमने पूरी लूट कर लूँ, एकदम अच्छे से लूट कर लूँ, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। मैं लूट करने में गाइस इतना खो गया कि मेरे को पता नहीं चला कि कब सेफ जोन आ गया। और ये सेफ जोन मेरे को लगता है क्रॉस करने ही वाला। अरे इसने क्रॉस कर लिया, मैं सामने बॉट आके मेरे को उड़ाने की कोशिश, मगर मैंने इस बॉट को उड़ा दिया। और मेरे को ये पेन किलर चाहिए, इसके लिए मैं कुछ भी गिरा सकता हूँ। और मैं इसमें पेमेंट दिया गया। बॉट जी आप तो मर गए यार। इस पबजी गेम पता नहीं कितने बॉट्स है, मिलियंस पर डाउनलोड्स है, फिर भी गाइस इतने सारे बॉट्स। ऐसे तो मेरा अभी लेवल हाई नहीं है, इसलिए मेरे सामने नूप मेरे लेवल के प्लेयर्स आएंगे। मगर गाइस अगर प्लेयर्स ना हो तो कम से कम बॉट्स तो मत भेजो, भले तुम लॉबी में ज़्यादा टाइम बढ़ा लो मगर बॉट्स मत भेजो। बॉट्स से पूरा गेम का एन्जॉयमेंट ख़राब हो जाता है कि सारे बॉट्स आते रहे हुए, अच्छे प्लेयर्स मिले ना तो हम किसी को अच्छे से किल भी ना कर पाए प्रोफेशनल वे से। तो गाइस मेरे को इधर एक गाड़ी दिख रही है, मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ, अपनी हेल्थ पहले फुल कर लेता हूँ। मैंने फर्स्ट एड की यूज़ कर रहा हूँ और ये मेरा पेन किलर रहे आज से पेन किलर कलर आ गया। कोई नहीं, पेन किलर के बाद एनर्जी ड्रिंक ले लेता हूँ, एनर्जी ड्रिंक के बाद हम फर्स्ट एड किट लगा लेंगे और उसके बाद हम हमारी रात दिन लेके यहाँ से निकल जाएंगे। तो भाई थोड़ा जल्दी कर, फर्स्ट एड किट ले। और ये फर्स्ट एड किट आ गई। तो गाइस अगर आप कितने भी अच्छे प्लेयर हो, गाइस मैं आपको बुरा ही नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं ये कहता हूँ कि आप कितने भी अच्छे प्लेयर हो मगर सेफ जोन को हमेशा ध्यान में रखें। क्योंकि सेफ जोन ऐसी चीज़ है, आपके पास अच्छी लूट है, आपके पास तगड़ी गन है, एकदम A1 गन है, किल भी अच्छे खासे है, AWM है आपके पास, MK249 है जिसमें 100 गोली होती है, वो सब आप एकदम मस्त हो, मगर सेफ जोन आपके दूर है और आपको सेफ जोन क्रॉस कर लेते हो, आपके आसपास कोई गाड़ी नहीं दिखती, समझ लो ऐसा हो गया तो आपके साथ क्या होगा गाइस? आप सेफ जोन में मर जाओगे तो आपके कुछ किल्स का, एमओ का, वो सब का कुछ इतना लेना देना नहीं। आप फर्स्ट एड किट लगा लगा के भागोगे तो भी कितना भागोगे गाइस, काफ़ी दूर हुआ सेफ जोन तो। मैं हमेशा कहूँगा कि आप हमेशा सेफ जोन में ध्यान रखें गाइस, कि आप सेफ जोन के हमेशा अंदर है। और ये रूट मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, ये मेरे को हमेशा हैरान करता है, इसलिए मैंने आप वीडियो आपके लिए थोड़ी स्किप कर दी। और ये मेरे सामने दो बंदे दिख रहे हो बहुत, जो कि मेरे टीममेट्स को मारने की कोशिश करो, मैंने इनको मार दिया है। अरे भाई कल थोड़ा और सो जा, अब मैं तेरी लूट लेके भाग जाऊँगा। मेरा टीममेट क्या कर रहा है भाई? टीममेट क्या कर रहा है? तेरे सामने तो खड़े थे, मार सकते थे भाई। टीममेट लगते ऑफलाइन हो गया क्योंकि मेरे को साइड में माइक का कट का ऑप्शन दिखा रहा है, लगता है ऑफलाइन हो गया मेरा टीममेट। कहना चाह रहा है मैं से, जा भाई जा तू, चिकन डिनर जीत ले इन लोगों की लूट लेके। तो गाइस हम उसकी ये बात बिल्कुल नहीं टालेंगे, मैं इनकी लूट ले लेता हूँ। फर्स्ट एड किट मैंने उठा लिया, बैंडेजेस मेरा उठाने का मन नहीं है इसलिए मैंने उठाया नहीं है। मैंने कंप्रेसर लगा दिया और अब मैं यहाँ से सेफ जोन की ओर भागने की कोशिश में कर रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने होता हूँ बहुत पता है।
इस बॉट को भी मैंने मार दिया। तो मेरे सामने से लगता है सेफ जोन अब निकलने वाला है, क्योंकि सेफ जोन के लिए काफ़ी कम टाइम बचा, 1025 या 20 समथिंग कुछ है किलोमीटर दूर। बाप रे बाप, लगता है आज सेफ जोन मेरे अगेंस्ट है। इस भाई कुछ भी हो जाए आज यो हैकर को हम लेके नहीं जाएंगे सेफ जोन में, लेकिन हम भी कोई इतने आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। तो अभी मैं गाड़ी ढूंढ के सेफ जोन के कैब से मिलता हूं। मैं सेफ जोन के अंदर आ चुका और अभी एनर्जी ड्रिंक वो सब ले रहा हूं। तो मैं अभी सेफ जोन के अंदर तो ऐसे एक्जैक्टली नहीं आया, अभी भी सेफ जोन मेरे और आगे निकल गया और आगे से मेरे को कुछ शॉट्स फायर होते हुए दिख रहे हैं। वहाँ पर जाकर देखते कौन है जिसके हमारे होते हुए वो शॉट्स फायर करें। हाँ पर अरे भाई ये तो पहले से नॉक पड़ा, चलो इसे उड़ा के 8 किल्स कर लेते, दूसरे की किल्स चुरा ली हमने। तो चलो यार सेफ जोन में जाते हैं। अभी सेफ जोन ऐसे इतना दूर तो है नहीं, थोड़ी देर घूमेंगे हम यहाँ पे, घूमते जाओ। तो देखते अभी हमारे साथ आगे क्या क्या होता है, हम चिकन डिनर ले पाते हैं कि नहीं। सेफ जोन में जाने की कोशिश और पीछे से बुलेट शॉट, देखते कौन चला रहा है। ऐसे मेरे को गाइस कोई दिखाई दे नहीं रहा, पता नहीं कहाँ से चला रहा है। बहुत अच्छी होंगे बाकी प्लेयर होते थे ऐसे तो दिख ही जाते। चौक के आसपास भी कोई नहीं दिख रहा है, यहाँ पर एक गाड़ी भी खड़ी है, गाड़ी में कोई बंदा तो नहीं है। नहीं गाइस कोई नहीं है, पता नहीं कहाँ। हम थोड़ी देर घूमते हैं, कभी आगे कभी पीछे, आगे पीछे कोई शॉट, वहाँ पर जाकर देखते कौन है। पीछे से भी शॉट, अरे शॉट्स तो आ रहे मगर कोई दिख नहीं। अरे एक रे रहा, अरे मेरे बाजू में तो खड़ा था, पता नहीं कैसे नहीं दिखा। ये बॉट नहीं हो सकता गाइस, ये प्लेयर लग रहा है क्योंकि छाती फाड़ के हमारे सामने लड़ने आ रहा है। और इसी के साथ हमने इसे उड़ा कर ले लिया इसकी किल्स, हेड शॉट विद M416। हेड शॉट काफ़ी लग रहे हैं, मैं तो पेट पे मारूँ पता नहीं, हेड शॉट ऊपर जा रही है, कंस्टेबल नहीं रह रही। वाह भाई एक बॉट वहाँ पर आराम कर रहा है, कहा 98 के से इसे हेड शॉट में मारने की कोशिश। हेड शॉट, अरे हेड शॉट ये नहीं लगा, M416 से हेड शॉट लगा मगर कहा 98 से नहीं लगा। अरे यार ये सेजन पीछे आ गया स्ट्रगलिंग दे, हमारे सामने ड्रॉप है मगर मेरे को लेने जाने की बिल्कुल भी इच्छा हो नहीं रही है। हम यहाँ पर ही घूमते हैं, चलो भाई हम बीच से भी ड्रॉप से जा रहे हैं। वही है यहाँ पे तो बुलेट शॉट्स पीछे से आए, लेकिन जाने की इच्छा नहीं है क्योंकि सेफ जोन आ रहा है। और एक जन को तो मैंने उड़ा भी दिया गाइस, मेरे को पता ही नहीं चला कब गाड़ी के नीचे आ गया। चलो भाई घूमते, कोई है क्या इस बड़े से शहर में इतने सारे शॉट्स। जब मैं ढूंढ रहा था तब मुझे कोई नहीं मिला और अभी इतने सारे मिल गए। ऐसे तो मैं चाहता नहीं हूँ कि तुरंत ही मर जाऊँ, मैं छाती फाड़ के अभी मेरे को जाने की इच्छा भी नहीं है। तो इसलिए मैं पहले कोने में आ जाता हूँ और इस कोने में आकर मैं क्या करूँगा, उतर के यहाँ से देखता हूँ कि कोई मेरे को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कहा 98 के निकली मैंने और 8x से, भाई कोई है तो मुंडी दिखा हुए अपनी ताकि मैं हेडशॉट मार सकूँ। जॉब हमारे सामने है मगर लगता नहीं है कोई ले रहा होगा, क्योंकि हमें तो यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सामने पेड़ बैठे जो कि हमें कुछ देखने को नहीं देना चाहते। तो गाइस गाड़ी लेके निकलते हैं यहाँ से और आगे जाते हैं कर लेते हैं, तो आगे पीछे। और ये मैं क्या अपनी सारी चीज़ें देख लूँ, ड्रॉप कर लूँ थोड़ा बैक पैक, ड्रॉप कर खाली कर लूँ लेवल थ्री तक, फिर भी जल्दी फुल हो जाता है। तो अभी मैं थोड़ी देर गाड़ी में घूमता हूँ आगे पीछे ऊपर नीचे, फिर के बाद फिर के अंदर सब जगह मैं घूमता हूँ गाड़ी लेके, देखते हैं हमारे हाथ में और कितने किल्स आ पाते हैं। ऐसे हमारे 11 किल्स अभी है जो कि काफ़ी अच्छे, इतने भी बुरे नहीं है। 11 किल्स नाइस, और 5 बंदे अलाइव है जिसमें से मुझे भी एक गिन लगा, टोटल हुए 4। और मैं छाती फाड़ के गाड़ी में घूम रहा हूँ आज जो मेरे को मार सकते हैं मार गए, मगर मेरे को कोई दिख ही नहीं रहा है क्योंकि सब जन अपने घर के अंदर बैठ कर सो रहे हो गए मस्त। तो भाई तू घूमता रहे, जब लास्ट में एक बंदा मरे बचेगा तो सेफ जोन से मर जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम चुपचाप शांति से उसे किल कर देंगे। लेकिन हम ऐसे नहीं मरेंगे इतनी आसानी से। मैं अभी इधर रोक देता हूँ, थोड़ी देर मैं इधर खड़ा होकर आराम करता हूँ। ये घर के अंदर मैं थोड़ी लूट कर लूँ, तब तक आप वेट करिए गाइस। मैं फटाफट थोड़ी सी वीडियो स्किप कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो गाइस मैंने उस घर में लूट कर ले, कुछ खास नहीं मिला, अभी सिर्फ 3 बंदे अलग है
और हमारे टोटल 11 किल से देखते हैं हम चिकन डिनर ले पाते कि नहीं ले पाते। और मेरे ख्याल से वो जो 3 बंदे लगे वो शायद एक स्क्वाड ही है मेरे सामने, जो कि एक देखिए छाती फाड़ कर जा रहा है, एक नहीं दो दो है। इसे मैं थोड़े से शॉट्स मार कर डराने की कोशिश करता हूँ। अरे अरे मेरी हेल्थ काफ़ी कम है, पहले मैं घर के अंदर जाके हेल्थ बढ़ा लेता हूँ अपनी। चलो घर के अंदर इस कोने में बैठ के पोस्टर की ड्यूज कर लेता हूँ। अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि मेरे ख्याल से वो दोनों एक ही स्क्वाड में, तो मैं फर्स्ट एड की लगा लिया। और अभी मैं फटाफट यहाँ से बाहर निकल के देखता हूँ कि कौन कौन अलाइव, 3 जन अलाइव है बाहर, दो जन के फुटस्टेप्स मेरे को दिख रहे हैं, एक जन ये बैठा, उसे मैंने नॉक कर दिया, शायद उसने रिवाइव कर देते, एक उसे आ रहा है रिवाइव करने। और जैसे ये रिवाइव बटन पर क्लिक किया मैंने इसे भी मार के, और ये बिना चिकन डिनर गाइस, एक और चिकन डिनर, 13 किल्स चिकन डिनर गाइस। आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय किया, अगर वीडियो को एंजॉय किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और